हाल ही में भारत के बहुत बड़े लॉयर्स में से एक फली सैम नरीमन की डेथ हो गई है। उनका भारत की लीगल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े बड़े केसेस में भी रहा है, जैसे कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस, उसके बाद 1981 सेकेंड जजिज केस जिसमें कोलेजियम सिस्टम लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद थर्ड जजिज केस 1998 जिसमें कोलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड किया गया था, एनजैक जिसमें एनजैक को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तथा वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, जयललिता करप्शन केस जिसके अंदर जयललिता जो कि तमिलनाडु की एक्स सीएम थी उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उनके उनको भी उन्होंने बेल दिलवाई थी, उसके बाद तमा पाई केस 2002 जिसमें माइनॉरिटीज़ को ये राइट दिया गया था कि वो भी अपने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूट में को एडमिनिस्टर या रेगुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।